सो कैसे हो यार आप लोग। सो भाई लोग यार, कभी ना तो कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार हम लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं, आखिरकार हम लोग के साथ मरने के बाद क्या होता है। सो गाइस टेंशन लेने का कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको साइंटिफिक रूप से सारी बातें बताने वाला हूँ। और गाइस अपने अपने कानों में ईयरफोन डाल लो वीडियो को अच्छे से इन्जॉय करने के लिए। और गाइस वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे। सो भाई लोग, बस एक छोटे से और सस्ते इंट्रो के बाद हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो भाई लोग यार, जैसा कि आप ये बात जानते हो, जो लोग इस दुनिया में आया है उसको एक ना तो एक दिन मरना ही है, और उसका मरना तय है। लेकिन भाई लोग आपको बता दें, बहुत लोग यही सब बातें सोच के टेंशन में रहते हैं कि हम आखिरकार मरने के बाद कहाँ जाते हैं और हमारे साथ क्या होता है। सो भाई लोग यार आपको बता दें, बहुत लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने NDE किया है, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। और वो लोग बोलते हैं कि हम अपने आप को मरा हुआ देखते हैं और खुद हम लोग कुछ देर के बाद जिंदा हो जाते हैं। चलो इसको एक रियल लाइफ स्टोरी से जान लेते हैं। सो गाइस, एक बंदा था जो 2010 में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और वो लगभग बहुत ज़्यादा घायल था, और डॉक्टरों ने उसका इलाज स्टार्ट कर दिया। और वहीं कुछ देर के बाद उसकी जो हार्ट बीट थी वो बंद हो गई, लेकिन वहीं 5 मिनट के बाद उसका हार्ट बीट जो था वापस स्टार्ट हो गया। सोच सकते हो गाइस, 5 मिनट पहले हार्ट बीट जो बंद हुआ था वही वापस स्टार्ट हो गया। सो गाइस, फिर डॉक्टरों ने उस बंदे का इलाज करना स्टार्ट कर दिया, और वो बंदा कुछ देर के बाद वापस जिंदा हो गया। सो गाइस, जब वो बंदा जिंदा हुआ तो उसके साथ जो जो घटना घटी थी उसने हर एक बात डॉक्टरों को बताई। सो गाइस, उस बंदे ने कहा कि मैं खुद को देख सकता था, और मैं ये भी देख सकता था कि डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। सो गाइस, लेकिन उस बंदे ने ये भी कहा कि मेरे को हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती थी, और ना ही मैं किसी का बात सुन सकता था, और ना ही मैं किसी को कुछ कह सकता था, और मैं जस्ट हवा में तैर रहा था, ना ही मैं ज़मीन पर था, मैं हवा में तैर रहा था। सो गाइस, खुद को देखना कि मैं मरा हुआ हूँ और वापस से जिंदा हो जाना, इसी को कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। सो गाइस, बहुत बंदों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है। सो गाइस, NDE करने वाले उसमें से कुछ बंदों ने ये भी बोला है कि जब हम लोग जस्ट हवा में तैर के अपने को देखते रहते हैं, तब हमें कुछ अपने तरफ व्हाइट रोशनी आता हुआ दिखता है। सो गाइस, फिर साइंटिस्टों ने बोला कि जो तुमको व्हाइट कलर की रोशनी दिखती है, वो शायद एक जो ऑपरेशन थिएटर में बल्ब रहता है उसकी रोशनी दिखती होगी। सो गाइस, NDE करने वाले लोगों में कितना परसेंट सच है और कितना परसेंट झूठ, ये बात तो आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाया है। लेकिन भाई लोग यार, ये तो उसी को मालूम जो नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है कि ये बात सच है या फिर ये बात झूठ। सो गाइस, साइंटिस्टों ने ये भी बोला है कि अगर आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और आप अगर मरने मरने हालत पे हो और आप वापस से जिंदा हो गए, तब आपका चांस था कि आप नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे होगे। सो गाइस, आपको बता दें, नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोगों ने ये भी कहा है कि जब हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम लोग दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि वहाँ हर एक चीज़ चेंज रहता है। सो भाई लोग यार, आपको बता दें, जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस किए थे वो लोग ये भी दावा किए थे कि जब हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस किए थे, तब हमें हमारे बुजुर्ग दिखाई दिए थे जो बहुत साल पहले ही मर चुके थे कुछ देर के लिए। सो भाई लोग यार, साइंटिस्टों ने यही बोला था कि अगर किसी इंसान को हम लोग मन से चाहते हैं और वो लोग भी हमें मन से चाहते हैं, और कुछ देर के बाद अगर वही इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसी इंसान को हम लोग याद करके हमेशा दुख में रहते हैं और उसी इंसान को याद करते रहते हैं, तो उसी कारण हम लोग को वो दिखता है कभी कभी। सो गाइस, शायद यही एक रीजन है जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोगों को उनके बुजुर्ग दिखाई देते हैं। सो भाई लोग यार, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला था कि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग कुछ देर के लिए दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, जहां वो कैद हो जाते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ सुन सकते हैं, बस देख सकते हैं। और भाई लोग यार, उनको अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शायद भाई लोग यार, उन लोगों को हेल्यूसिनेशन होने लगता है। सो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आपके अगल बगल की चीज़ अंदर जा रही है। सो गाइस, इसके सेंटर में देखते रहो। सो भाई लोग यार, मेरे को कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको अपने अगल बगल की चीज़ें अंदर जाते हुए देखी कि नहीं। सो गाइस, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप साल में एक बार खरीदते हो और एक साल यूज़ करते हो, और साल खत्म होते के साथ ही उसे आप फेंक देते हो। सो गाइस, जिस चीज़ को आंसर आता है वो कमेंट कर देना, और जिस चीज़ को नहीं आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को जाओ इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉलो भी कर लेना यार, और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना।